भगवान का रोज रूप निहारना चाहिए। आज किस रूप में बैठे हैं, आज गुस्से में बैठे हैं, आज प्रेम से दिख रहे हैं, संबंध स्थापित होना चाहिए। इसलिए घर के विग्रहों के नाम होने चाहिए। लोगों के घर पे जाओ, क्या नाम है आपके घर के विग्रह का? लड्डू गोपाल। क्या नाम है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। कोई संबंध ही नहीं। संबंध अभिधेय प्रयोजन, पहले संबंध होना चाहिए। तो घर में आप मान लो बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखो, पहला बच्चा हुआ बच्चा, दूसरा हुआ बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, पड़ोस वाले का भी बच्चा, सारे बच्चे खेल रहे हैं, मेरा बच्चा, तेरा बच्चा, बच्चा बच्चा बच्चा, सब जगह बच्चा हो गया। लेकिन नाम है, राहुल है, श्याम है, कृष्ण है, गौरांग है। नाम क्यों है? क्योंकि नाम से संबंध है। मेरा वाला कौन सा है? जब आवाज लगाएंगे श्याम घर आओ तो कौन आएगा? श्याम ही आएगा। तो एक संबंध स्थापित होना चाहिए। हर लड्डू गोपाल का, राधा कृष्ण विग्रह का नाम होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के कुछ भक्त थे जो संकीर्तन पार्टी में घुमा करते थे विदेशों में, उन्होंने राधा कृष्ण रखे थे, रोज राधा कृष्ण गिर जाते थे, क्योंकि ट्रक चलता था, संकीर्तन होता था, तो एवरीडे फॉल डाउन, गिरता था भगवान, तो उठा के रखते थे। भक्तों ने सोचा क्या करें, तो उन्होंने रस्सी से भगवान को बांध दिया, बांध दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आई संकीर्तन पार्टी, प्रभुपाद ने पूछा कैसा चल रहा है आपका संकीर्तन कार्यक्रम? कहा प्रभुपाद बाय ब्लेसिंग सो नाइस, इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई, इतने लोगों से मिले, वेरी नाइस वेरी नाइस। कहा आपके पास विग्रह है, केंद्र भगवान है? कहा हाँ, राधा कृष्ण है। क्या नाम है? कहा प्रभुपाद अभी नाम तो नहीं रखा, हम तो आपसे ही नाम पूछना चाहते। प्रभुपाद बोले चलिए दिखाइए। तो प्रभुपाद गए, देखने के लिए क्या देखा? रस्सी से बंधे हुए भगवान। तो प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया राधा दामोदर, क्योंकि उनको उधर को दाम रस्सी से बांधा हुआ था। श्री राधा दामोदर भगवान की जय।